आज हम आपको उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ के दुर्ग को छोड़ने के बाद महाराणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ रहे थे। यही वो जगह है जहां पर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और इसी जगह पर कुंवर प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठकर महाराणा प्रताप कहलाए थे। इसी जगह ही 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई। यह जगह है गोगुंदा का महल, जिस पर कभी ईडर के राठौड़ों का, कभी मेवाड़ के सिसोदियों का और कभी झाला राजराणाओं का कब्जा रहा। आज हम गोगुंदा के इस महल के बारे में जानते हैं जिसे अब गोगुंदा पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। गोगुंदा महल को इडरिया महल भी कहा जाता है क्योंकि इस महल के निर्माण की शुरुआत 13वीं शताब्दी में वर्तमान गुजरात में स्थित ईडर के राठौड़ वंश ने करवाई थी। ईडर के शासकों ने व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस महल को एक थाने के रूप में स्थापित कर रखा था। उस समय ईडर के राजा इस महल को उत्तर दिशा में अपनी अंतिम चौकी के रूप में काम में लेते थे। आपको पता होना चाहिए कि महाराणा उदय सिंह से पहले गोगुंदा का यह क्षेत्र मेवाड़ राज्य में खालसा क्षेत्र था। खालसा क्षेत्र सीमावर्ती प्रदेशों की परिधि के बीच का केंद्रीय क्षेत्र होता था, जिस पर शासक का सीधा नियंत्रण होता था। 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ के महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया ने ईडर तक का राज्य जीत लिया था। इनके बाद इनके पुत्र महाराणा खेता ने भी ईडर पर अपना कब्जा बरकरार रखा। महाराणा खेता ने गोगुंदा के व्यापारिक महत्व को देखते हुए गोगुंदा पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार गोगुंदा से लेकर ईडर तक राज्य महाराणा खेता के अधिकार में आ गया था। महाराणा खेता ने गोगुंदा में स्थित इस ईडरिया महल का जीर्णोद्धार करवाकर शासक के निवास के लिए गुंबद भवन का निर्माण करवाया। गुंबद भवन एक मर्दाना महल था जो वर्तमान महल का सबसे पुराना हिस्सा है। गुंबद भवन यानी राजा के महल में 5 आंतरिक दरबार मौजूद थे जिनमें समय के साथ बदलाव होते गए। यह महल मध्यकालीन राजपूत शैली का एक बेहतरीन नमूना है। महाराणा खेता ने महल के पास एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे इनके नाम पर खेतला तालाब कहा जाता है। इन्होंने इस तालाब के किनारे एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने गोगुंदा में महादेव का मंदिर और उसके पास एक बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। बाद में इसी बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था। महाराणा खेता की मृत्यु के बाद खेतला तालाब के पास इनका दाह संस्कार किया गया और एक छतरी का निर्माण करवाया गया। यह छतरी आज भी तालाब के किनारे पर मौजूद है। महाराणा खेता के बाद इनके पौत्र यानी महाराणा लाखा के पुत्र महाराणा मोकल ने गोगुंदा महल का जीर्णोद्धार करवाया और साथ में खेतला तालाब के पास राणेराव तालाब का निर्माण करवाया। महाराणा मोकल के बाद इनके पुत्र महाराणा कुंभा ने भी गोगुंदा महल का जीर्णोद्धार करवाया। कुंभा ने गोगुंदा के विष्णु मंदिर और वैष्णव भक्ति का सचित्र वर्णन करने वाले ग्रंथ गीत गोविंद आख्यायिका निर्माण करवाया। मेवाड़ में बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में बनवीर को हराकर चित्तौड़ की गद्दी संभाली। जब 1567-68 में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ था तब महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को त्याग कर गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा उदय सिंह गोगुंदा में इस इडरिया महल में रहे और यहाँ से ही उन्होंने उदयपुर के निर्माण कार्य को भी संभाला। महाराणा उदय सिंह ने इस महल के उत्तर पश्चिम भाग का निर्माण करवाया जिसे बाद में यहाँ के झाला राजराणाओं ने अपना निवास स्थान बनाया। जब 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु इसी महल में हुई तब उनका दाह संस्कार राणेराव तालाब के किनारे हुआ और एक छतरी बनवाई गई। हाल ही में इस छतरी का जीर्णोद्धार हुआ है। महाराणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप इसी महल में राजगद्दी पर बैठे और लगभग 4 वर्षों तक इस महल में रह पाए। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप गोगुंदा को छोड़कर कमलनाथ महादेव के पहाड़ों में चले गए।
इन्होंने महल की रक्षा के लिए कुछ सैनिकों को गोगुंदा में छोड़ा था। ये सैनिक हल्दीघाटी के युद्ध के बाद मान सिंह के साथ महाराणा प्रताप की तलाश में आए मुगल सेना के साथ लड़ते लड़ते मारे गए। इन सैनिकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिक थे। ये सैनिक महल में जिस जगह मारे गए थे उस जगह पर इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता था। आज भी महल में वो जगह मौजूद है। दरअसल युद्ध और आक्रमण के समय जो सैनिक जिस जगह शहीद होते थे उन्हें उस जगह समाधि बनाकर उस क्षेत्र के रक्षक के रूप में लोक देवताओं के रूप में स्थापित कर दिया जाता था। स्थानीय भाषा में मुस्लिम सैनिकों की समाधियों को पीर बावजी और राजपूत सैनिकों की समाधियों को राड़ा जी या सगरजी बावजी कहा जाता था। आज भी आपको मेवाड़ में जगह जगह ये स्थान देखने को मिल जाते हैं। गोगुंदा महल के अंदर पीर बावजी की तीन मजार और एक राड़ा जी का स्थान है जो अब जरोखों के रूप में केवल सांकेतिक रूप से मौजूद है। महल के अंदर पहली मजार गुंबद भवन में कमरे के अंदर, दूसरी मजार गुंबद भवन की सीढ़ियां उतरने के बाद बरामदे में दीवार के अंदर और तीसरी मजार कोठार और शस्त्रागार के पास बरामदे की दीवार में स्थित है। इन मजारों के साथ महल में प्रवेश करते ही दरवाजे के लेफ्ट साइड की दीवार में जरोखे के रूप में राड़ा जी का स्थान है। इस स्थान के पास एक शिव मंदिर भी है। गोगुंदा के महल में ही अमरपसी नामक जगह पर 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई जिसमें मुगलों की तरफ से शहजादा खुर्रम महल में मौजूद था। अब गोगुंदा महल एक हेरिटेज होटल का रूप ले चुका है जिसके कारण इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं। एक आम पर्यटक के लिए इसे देख पाना संभव नहीं है। मेवाड़ में झालाओं का इतिहास झाला अज्जा और झाला सज्जा के नाम के भाइयों से शुरू होता है। ये दोनों गुजरात के हलवत राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी बहन का विवाह मेवाड़ महाराणा रायमल से हुआ था। पारिवारिक विवाद की वजह से अज्जा और सज्जा हलवत छोड़कर 1500 ईस्वी में मारवाड़ गए जहां राव सूजा ने इनको जागीर दी। ये जागीर इनकी वजह से झालमंड कहलाई। राव सूजा से कुछ विवाद होने की वजह से ये दोनों 1506 ईस्वी में अपने बहनोई मेवाड़ के महाराणा रायमल के पास आ गए जिसने झाला अज्जा को अजमेर के पास और झाला सज्जा को देलवाड़ा की जागीर दी। बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की तरफ से लड़कर खानवा के युद्ध में अपने प्राण त्यागने वाले झाला अज्जा और इनके भाई झाला सज्जा को राजराणा की उपाधि दी गई। इसके साथ झाला अज्जा व उनके वंशजों को अजमेर, झाड़ोल, बिछीवाड़ा, कानोड और सादड़ी की जागीर मिली। महाराणा अमर सिंह के समय 1614 ईस्वी में देलवाड़ा के शत्रुशाल झाला की मृत्यु गोगुंदा के महल थाने पर हमला करते समय रावलिया तालाब के किनारे पर हुई जहां उनकी छतरी बनी हुई है। शत्रुशाल की मृत्यु के बाद उसकी वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा अमर सिंह ने उसके वंशजों को गोगुंदा से लगभग 5 किलोमीटर दूर रावलिया की जागीर दे दी। शत्रुशाल का दूसरा पुत्र कान्हा सिंह रावलिया की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार मेवाड़ में झालाओं के तीसरे ठिकाने का निर्माण हुआ जो देलवाड़ा के झाला राजवंश से निकला। 1628 ईस्वी में कान सिंह ने गोगुंदा में इडरिया थाने पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। गोगुंदा पर कान सिंह का कब्जा हो जाने पर महाराणा जगत सिंह ने गोगुंदा का पट्टा कान सिंह को दे दिया। गोगुंदा ठिकाने की स्थापना के बाद राजराणा कान सिंह ने अपनी राजधानी रावलिया से गोगुंदा शिफ्ट की और गोगुंदा के महल में अपने परिवार सहित निवास किया। अगर हम गोगुंदा महल के पास घूमने की जगह के बारे में बात करें तो महल के पास ही महाराणा प्रताप का राजतिलक स्थल, महाराणा उदय सिंह की छतरी, राणेराव तालाब, धोलिया जी आदि देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको गोगुंदा महल आना है तो आप कैसे आएं? गोगुंदा महल गोगुंदा कस्बे के अंदर बना हुआ है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से गोगुंदा महल की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। उदयपुर से गोगुंदा तक नेशनल हाईवे है। आप कार या बाइक से आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।